हमारे YouTube चैनल ग्रह गोचर के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से हम धर्म और संस्कृति से जुड़ी रोचक जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रोचक जानकारियों का आनंद उठाइए। आज हम बात करेंगे धनतेरस की। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाने वाला धनतेरस का त्यौहार 29 अक्टूबर दिन मंगलवार को है। धनतेरस के शुभ मौके पर सोना चांदी आदि धातुओं की खरीदारी की जाती है, झाड़ू की खरीदारी की जाती है और इलेक्ट्रिक सामान वगैरह की खरीदारी की जाती है, तांबा पीतल के बर्तनों की खरीदारी की जाती है और सोना चांदी तांबा पीतल की खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है धनतेरस के त्यौहार पर। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, कुछ ऐसी वस्तुएँ भी हैं जिनकी खरीदारी करना अशुभ माना जाता है। तो आप भी जान लीजिए कि धनतेरस के मौके पर, धनतेरस के पावन अवसर पर कौन कौन सी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। तो सबसे पहले बता दें, लोहा। धनतेरस पर लोहे से बनी वस्तुएं कभी भी नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन लोहे से बनी चीज़ें घर में लाने से राहु ग्रह की अशुभ छाया पड़ जाती है, जिससे घर में परेशानी बढ़ सकती है। तो ध्यान रखें, धनतेरस पर लोहे से बनी कोई भी वस्तु ना खरीदें। इसके अलावा एल्यूमिनियम्स के बने सामान भी धनतेरस के मौके पर नहीं खरीदना चाहिए। एल्युमिनियम का संबंध भी राहु से होता है। इसके अलावा कांच के सामान का संबंध भी राहु ग्रह से होता है, इसलिए धनतेरस के दिन कांच की चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। काले रंग के कपड़े या गहने। धनतेरस के दिन काले रंग के कपड़े या आभूषणों को नहीं खरीदना चाहिए। काला रंग दुर्भाग्य का प्रतीक रंग माना जाता है, इसलिए काले रंग की वस्तु की खरीदारी से बुरी तरह बचें। तेल या घी। धनतेरस के दिन या तेल या घी के उत्पादों जैसे घी, रिफाइंड इत्यादि लाने के लिए मना किया जाता है। धनतेरस पर दीप जलाने के लिए भी तेल और घी की जो ज़रूरत पड़ती है, ये सब चीज़ें आप पहले से ही खरीदारी करके रख लें।